दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईएफएससी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों आईएफएससी के कुछ आंकड़ों के बारे में हम वेट कर रहे थे कि भाई क्वार्टर टू को लेकर जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा है वो कब आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह रहा था कि भाई कंपनी में देखेंगे कि एफआईडीआई एंड रिटेल इनके आंकड़ों का क्या हुआ। क्योंकि देखिए कंपनी यहां पे ओफर्स को लेकर कुछ अनाउंसमेंट जल्दी ही कर सकती है, ओफर्स भी हमें देखने को मिल सकता है। बट ओफर्स से पहले अगर अपन देखें ना डाटा यहां पे कि भाई किसने कितना खरीदा कितना बेचा रिटेल एफआईडीआई सबका, तो वो डाटा हमारे सामने आ चुका है। यानी कि दोस्तों जो एफआई का एंड डीआई का जो डाटा है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा इस क्वार्टर का, क्योंकि एफआई एंड डीआई ने कुछ यहां पे चेंजेस किया है अपनी होल्डिंग के अंदर। तो क्वार्टर टू के शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। एंड यहां से अपने ऑल टाइम हाई शेयर अभी के टाइम कम से कम हमें 35% 30% के बीच यहां पे जो करेक्शन दे रखा है वो क्या है हमारे लिए एंड ये क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए ये हुआ है यहां पे एफआईडीए की बिकवाली की वजह से, एंड ये गिरावट मौका है या धोखा है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले। क्योंकि अभी के टाइम की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि रिटेल सबसे ज्यादा पैनिक है, क्योंकि शेयर ने ना तो रिटर्न दिया है। देखिए मानते हैं चलो भागते हैं शेयर, बट भागने के बाद गिरते हैं, बट यहां पे भाई भागा ही नहीं उल्टा गिर रहा है। अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने का रिटर्न शेयर का तो ओनली 4-5% का मोमेंटम शेयर ने बनाया, बाकी ऑलमोस्ट पिछले 8-9 महीने से शेयर एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पे एफआईडीआई का आंकड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर भाई वो माल नहीं खरीदते हैं तो फिर वॉलिटी डेफिनेटली बनती है, एंड वही वॉलिटी यहां पे हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं एफआईडीआई का जो डाटा अभी के टाइम आया, उससे पहले न्यूज एक बार देख लेते हैं कोई न्यूज है शेयर को लेकर। तो अभी के टाइम आप देखोगे शेयर को लेकर कोई भी न्यूज यहां पे नहीं है, एंड शेयर में ऐसा कोई नहीं है कि शेयर मंडे को यहां पे थोड़ा वॉलिटी दिखाए, ऐसी कोई अपडेट अभी के टाइम निकल के नहीं आ रही है। ओनली जो शेयर होल्डिंग डाटा है वो देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखोगे तो आईएफएससी के अंदर सभी का जो व्यू है वो नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि शेयर में जिस प्रकार का शेयर का प्रदर्शन रहा है बहुत ही भाई गलत रहा है। यानी कि शेयर भाई भागता ही नहीं है उल्टा गिरता है यहाँ पे, भागना तो छोड़ो उल्टा यहाँ पे रिटर्न बनता है, तब मतलब जिस शेयर में रिटर्न बनता है अगर वो गिर जाता है तो चलो मानते हैं कि चलो पैसे तो बने हैं, बट भाई पैसा ही नहीं बना यहाँ पे उल्टा गिर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा चेक करते हैं आपके प्रमोटर्स का, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, यानी कि देखें तो इन्होंने कोई भी अपनी होल्डिंग के अंदर चेंज नहीं किया। एफ बी वगैरह आएगा तो मतलब ओफर्स वगैरह आएगा तब ये जो चेंजेस है वो आएगा, यानी कि अभी के टाइम जो एफआई होल्डिंग 86.36 वो बनी हुई है। मेन चीज आपके एफआई यानी कि जो आपके एफआई की जो जो एफबीआई वाले हैं भाई उनका डाटा चेंजेस है, उन्होंने पिछले क्वार्टर में 1.1 जो उनकी होल्डिंग थी इस क्वार्टर में घट के 1.09 लगे, यानी कि उन्होंने भाई 2 पॉइंट माल यहाँ पे निकाल दिया है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो कम से कम उन्होंने दोस्तों इस पिछले 3 महीने में सेलिंग करी है। एफआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिला है सेलिंग, एंड जो इन्वेस्टर की संख्या थी उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओनली 2 या 3 इन्वेस्टर ने अपना माल निकाला है। जिसमें अगर संख्या की बात करूं मैं तो पहले 175 थी एफआई वाला जो एफआई इन्वेस्टर की संख्या, अभी के टाइम भाई घट के 172 रह चुकी है, यानी कि 3 इन्वेस्टर ने अपना माल निकाल दिया है। ये चेंजेस आया, बाकी यहाँ पे एफआई का अभी भी शेयर के अंदर पैसा लगा हुआ है, भरोसा बरकरार है, एंड रिटेल थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, रिटेल का आंकड़ा समझते हैं। अब देखिए म्यूचुअल फंड का अगर डाटा देखोगे, म्यूचुअल फंड ने भाई बहुत ही ज्यादा सेलिंग करी, जो गिरावट दिखी है ये भाई इस म्यूचुअल फंड की वजह से दिखे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड बहुत ही यहाँ पे मतलब हाई लेवल पे इन्होंने सेलिंग करी है, जो भी यहाँ पे 230 से गया था उस टाइम पे म्यूचुअल फंड भाई पूरा माल निकाल दिया था। ऑलमोस्ट आप देखोगे 0.55 तो पहले इसके पास थी, अब उसमें से भाई इनने कम से कम पूरी होल्डिंग निकाल के ओनली 0.45% इसे निकाल के 15 इन्होंने रख लिया। यानी कि अगर देखें तो एफआई में भी भाई 2 इन्वेस्टर कम हो चुके हैं। अगर देखें तो एफआई के जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स थे यानी कि एफआई में भी यहाँ पे इन्वेस्टर में सॉरी जो डीआई वाले हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले वो कम हो रहे हैं, ऑलमोस्ट इनकी होल्डिंग भी हमें घटती हुई नजर आई। देखिए इस क्वार्टर में एफआई ने भी माल बेचा है डीआई ने भी माल बेचा है, अब माल किसके पास गया है। तो अब यहाँ पे देखिए आपके जो यहाँ पे जो मतलब इंस्टीट्यूट वाले हैं भाई उनमें देखिए 2.19 थी 2.17 हो गया, यानी कि उन्होंने भी माल निकाला है। एफआई हो गया डीआई हो गया म्यूचुअल फंड हो गया आपके यहाँ पे ये मतलब इंस्टीट्यूट वाले हो गए ये भी माल निकाल रहे हैं, यानी कि सभी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इनकी तरफ से इस क्वार्टर में सेलिंग नजर आई है, क्योंकि इनको ओवरबोर्ड वैल्यू ये शेयर लग रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट है पब्लिक का क्या हुआ है, तो पब्लिक के पास भाई कोई भी चेंजेस नहीं है। पब्लिक का डाटा अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास भाई सितंबर 2024 तक पिछले क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 11.5% माल था, वही माल अभी भी पब्लिक के पास है 11.50, ठीक है ना। तो पब्लिक से कोई ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा माल छीना गया या पब्लिक को बेचा गया, नॉर्मली देखें सभी ने माल बेचा है। पब्लिक के पास अगर बताऊं मैं तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो पहले 11 था 11.5 था, वो अभी के टाइम बढ़ के हो चुका ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 से 12.5%, यानी कि पब्लिक को माल बेचा गया, पब्लिक ने माल खरीदा है गिरावट में अपॉर्चुनिटी समझ के। तो ये आंकड़े नजर आए, बट मैं यहाँ पे इस आंकड़े में ज्यादा नेगेटिव नहीं लूंगा, क्योंकि जिस प्रकार शेयर अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है गिरावट में सेलिंग आई है बड़े प्लेयर्स की तरफ से, इसलिए शेयर गिरा है, बट सेलिंग इतनी भी नहीं आई कि सभी अपने पूरे शेयर बेचकर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बड़े बड़े प्लेयर्स के पास एफआई के पास आप देख लो जो अच्छी खासी होल्डिंग है वो बनी हुई, ऐसा नहीं एफआई पूरा माल ही बेचकर निकल गया, एफआई के पास 1.09 अभी भी है एफआई के पास, यानी कि एफआई ने अभी भी होल्डिंग बना रखी है। वही आप म्यूचुअल फंड के पास देखोगे अभी भी 0.15 है, एंड आपके जो यहाँ पे जो आपके भाई जो इंस्टीट्यूट वाले हैं भाई इनके पास जब देख लो 2.19 से 2.17 यानी कि अभी भी इनके पास 2.17% होल्डिंग इन्होंने अपनी बना के रखी हुई, क्योंकि इनको वैल्यू दिख रही है आगे, ये सोच रहे कि भाई अभी बेचेंगे नहीं क्योंकि अभी शेयर और बढ़ेगा, तेजी आई प्रॉफिट बुकिंग किया फिर गिरावट आई फिर माल खरीद लेंगे, ये इनमें चलता रहता है। तो इंटरेस्टिंग है डाटा, एंड यहाँ से मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है डाटा के अंदर, सही है, इतना तो हम अनुमान भी लगा रहे थे कि क्या होगा, बट एफआई ने थोड़ा सा झटका दिया क्योंकि एफआई के चांस था एफआई होल्डिंग बढ़ाई, क्योंकि एफआई की होल्डिंग हमने देखी है कि आर्मिनल जिस शेयर के अंदर बढ़ी है, इटकॉन जो अंडर वैल्यूड है उसमें भी इन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है,
तो ये चीज़ें रही है। तो डाटा मुझे लगता है कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, डाटा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे आप देखते हैं आगे शेयर का मोमेंटम कैसा बनेगा, रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो रिजल्ट से पहले डाटा आ चुका है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, तो देखते हैं मंडे को शेयर इस पर कैसा परफॉर्म करता है। बट अगर हम रिजल्ट को देखेंगे, रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो शेयर की दिशा बदल सकते हैं, कि जो भी टाइम डाउन ट्रेंड में है ये बॉटम बना के आपका अप ट्रेंड में जा सकता है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट हमें देखना चाहिए, रिजल्ट के बाद में एक्शन लेना चाहिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको